आप में से मेरे को कोई भी बता दो कि आपने किसी तीन कांग्रेसियों को देश की आजादी के लिए फांसी पे चढ़ते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को भारत माता की जय बोलते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को धर्मांतरण का विरोध करते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को लव जिहाद का विरोध करते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को गोहत्या का विरोध करते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजना चाहिए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को ये जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं पकड़ पकड़ करके वापस बाहर फेंक देना चाहिए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है उसका विरोध करते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को हिंदू लड़की के ऊपर बलात्कार होता है या हिंदू लड़की से छेड़छाड़ होती है विरोध करते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को सेना की प्रशंसा करते हुए देखा क्या? अरे बोलो ना, हाँ नहीं देखा तो ये अपनी नहीं है ध्यान रखना। अरे इन्होंने तो राम मंदिर में रोड़े अटकाने के लिए जब मूर्तियां प्रकट हुई थी नेहरू जी ने पूरी कोशिश की थी कि यहाँ से मूर्तियां हटा दी जाए, लेकिन धन्यवाद है उस कलेक्टर के नायर को जिसने कहा था कि मुझे हटा दो लेकिन मैं मूर्तियां नहीं हटाऊंगा। जब गो हत्या के लिए साधुओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था तो इंदिरा गांधी ने बोलो गोलियां चला चला करके साधुओं को मारा या नहीं मारा? मारा। ये राजीव गांधी ने जो साहबानो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मुसलमानों को खुश करने के लिए बोलो बदला कि नहीं बदला? बदल दिया। मुलायम सिंह ने राम भक्तों के ऊपर बोलो गोलियां चलाई कि नहीं चलाई? गोलियां चलाई। और ये नरसिंह राम हुए उन्होंने कहा था कि मैं मस्जिद वापस बनाऊंगा नरसिंहा राव, बोलो आपने सुना कि नहीं सुना उनका स्टेटमेंट? और हमारे ये मनमोहन सिंह जी हुए इन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, आपने सुना कि नहीं सुना? आपने राहुल गांधी को सुना कि नहीं सुना कि हमको खतरा, देश को खतरा मुसलमानों से नहीं है, देश को खतरा हिंदुओं से है, भगवा आतंकवाद जैसा झूठा शब्द गढ़ा। तो ये सब लोग कौन है? ये सब लोग हिंदू विरोधी है। इनकी कोशिश है कि हिंदुओं को समाप्त करके इस देश को मुस्लिम देश बना दिया जाए। और ये तुम जिसका दादा मुसलमान जिसकी माँ ईसाई वो हमको हिंदुत्व तो समझाएगा क्या? हमको समझाने की जरूरत नहीं है। और तेरे जैसे भोले आदमी से हम आशा भी कुछ नहीं कर सकते। हम इनके बातों में नहीं आए, हम हमारी विचारधारा, हमारे महापुरुष, हमारे साधु संत, हमारे मंदिरों उसके ऊपर विश्वास रखें।